न्यूज विंग में आपका स्वागत है मैं हूं रफी समी। आज हम मौजूद हैं प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को मिल रही रोजगार संस्था सीपेट में जी हाँ जिस तरह से प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है सीपेट संस्था में एक बेहतर कदम वाक में कहा जा सकता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट जहाँ युवाओं को प्लास्टिक से बनने वाली सामग्रियों का ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर उन्हें कैंपस के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाता है वाकई में जिस तरह से आज प्लास्टिक उद्योग एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है जिस तरह से प्लास्टिक से जुड़कर रोजगार लोग तलाश रहे हैं और जैसा कि अभी देश भर में ही प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी उपलब्ध हैं काफ़ी जो है डिमांड में है और इसी के तहत सीपेट जो संस्था है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है लगातार युवाओं को प्लास्टिक से बनने वाली सामग्रियों का ट्रेनिंग देता है और फिर यहाँ से डिप्लोमा करके यहाँ ट्रेनिंग करके युवा जो हैं वो रोज़गार से जुड़ते नजर आ रहे हैं लोगों को युवाओं को जो है कैंपास के माध्यम से रोज़गार मिल रही है एक बेहतर कदम एक बेहतर प्रयास सीपेट के द्वारा वाकई में लगातार की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस संस्था में बड़े बड़े मशीन जो है उपलब्ध हैं जिसमें जो यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए आए हैं पूरे राज्य भर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट की डिमांड हो बाज़ार में या फिर जिस इंस्टीट्यूट में जिस संस्था में वो जाएं और उस संस्था में जिस तरह के भी प्रोडक्ट का डिमांड हो उसे वो आसानी से बना सके उस काम में वो अपना हुनर दिखा सके पूरी तरह से प्रैक्टिकली थ्योरी दोनों ही तरह से जो है उन बच्चों को यहाँ ट्रेंड किया जाता है बच्चों के लिए लगातार क्लासेस जो है वो चलती है ट्रेनर है और जो टीचर्स हैं वो उनको बेहतर ढंग से जो है ट्रेनिंग देते नज़र आ रहे हैं चाहे वो फिज़िकल हो या फिर थ्योरी के माध्यम से हो सभी तरह से जो है उन बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है तो यह वाक़ में और जैसा कि यहाँ जो सीपेट है इसमें जो बताया जाता है कि 50 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट की सार्थक प्रयास कहें या फिर भागीदारी से ये संस्था को संचालित किया जाता है ताकि इस संस्था में ट्रेनिंग करने वाले युवा बेहतर ट्रेनिंग कर सके बेहतर प्रशिक्षण ले सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह क्लासरूम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं प्रैक्टिकल रूप में उन बच्चों को किस तरह से मशीन के सामने खड़े कर कर के ट्रेनिंग दी जा रही है प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि जो प्रोडक्ट जो सामग्रियाँ बनाना चाहे वो बच्चे वो आसानी से बना सके तो वाक्य में एक बेहतर कदम बेहतर प्रयास और बेहतर संस्था के रूप में सीपेट जो है वो नज़र आ रही है और इस सीपेट में पूरे झारखंड से जो युवा है वो यहाँ शामिल होते हैं अलग अलग कैटेगरी है उन बच्चों बच्चों का जो एजुकेशन है वो अलग अलग माध्यम से है कुछ बच्चे जो है वो मैट्रिक पास करके भी यहाँ आए हैं कुछ डिप्लोमा करके यहाँ आए हैं लेकिन बहरहाल उन बच्चों को जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बाजारों में बनती है डिमांड में है उन डिमांड का प्रशिक्षण ट्रेनिंग सीपेट में दिया जाता है ताकि वो एक हुनर हासिल कर सके और फिर उन हुनर के आ, माध्यम से रोज़गार से जुड़ सके हम जानेंगे यहाँ के जो सीपेट के जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे बाबत उनका और क्या कुछ तरीके से बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है प्रशिक्षण दी जाती है युवाओं को प्लास्टिक उद्योग से जोड़कर रोज़गार मुहैया जहां सी करा रहा है वहीं उन बच्चों में मेहनत और जोश भरने का काम सी के ज्वाइंट डायरेक्टर एंड हेड परवीन बचाओ जी भी लगातार कर रहे हैं आज हमारे साथ मौजूद है सीपेट के जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड परवीन बचाओ साहब जानेंगे कि जिस तरह से प्लास्टिक उद्योग से युवाओं को रोज़गार कहीं ना कहीं मुहैया हो रही है और जिस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रही है साथ ही साथ किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग इस संस्थान में दी जाती है जोहार हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अलावा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जैसे ए डिप्लोमा कोर्सेस है ये हम सीपेट में रांची में करते हैं सिपेट रांची दो में चालू हुआ था और यहाँ पे हमारा जो मेन उद्देश्य था कि झारखंड के बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है और नया नया जो उद्योग उनको अगर शुरू करना है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में तो वो सब करने के लिए हमें यहाँ पे रांची में हमें भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने हमें यहाँ पे जगह दिया है और ये 50 50 परसेंट का प्रोजेक्ट है और इसमें आपने अभी जैसे देखा होगा कि लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है बिल्डिंग और मशीनरी में और काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग हम बच्चों को यहाँ पे देते हैं ये जो हमारे डिप्लोमा कोर्स है ये फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है ए अप्रूव्ड है और ये डिप्लोमा कोर्स होने के बाद बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेसमेंट दिया जाता है लगभग मोर देन हंड्रेड प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर है और ये प्लेसमेंट होके ये बच्चे एज अ इंजीनियर एज अ क्वालिटी सुपरवाइजर इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं प्लास्टिक्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में उसके अलावा हम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जो जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और ये प्रोग्राम्स बच्चों को बहुत कम समय में तीन महीने या छः महीने में अच्छा ट्रेनिंग दे उनको जॉब के लिए भेजते हैं तो जॉब यहाँ पे हमारे यहाँ पे रांची में अवेलेबल है जमशेदपुर में जॉब्स अवेलेबल है प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री अभी रांची और जमशेदपुर में भी हुआ है धनबाद में अभी अच्छा इंडस्ट्रीज़ आ रहा है तो यहाँ पर भी हम बच्चों को जॉब के लिए भेजते हैं वाकई में जॉब के लिए बच्चों को भेजा जाता है अगर हम बात करें प्लास्टिक उद्योग की तो किस तरह से वो प्लास्टिक से बच्चे यहाँ पर किसी भी तरह की सामग्री बनाते हैं या फिर उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है किन किन टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे भी जब बढ़ें तब वो अपना हुनर निखार सके दिखा सके। आ, बहुत बार हम जब प्लास्टिक बोलते हैं तो ऐसा एक नेगेटिव आ जाता है कि सर प्लास्टिक तो बैन हो गया है अभी कैसे करेंगे तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्लास्टिक बैन नहीं है प्लास्टिक का जो कैरी बैग है जो अपन मल्टी लेयर या सिंगल लेयर कैरी बैग जो होता है उसको हम बैन गवर्नमेंट ने किया है वो भी सभी को बैन नहीं किया है एक पर्टिकुलर थिकनेस जिसके मोटापा या थिकनेस जिसको हम बोलते हैं तो वो थिकनेस हंड्रेड एंड जो अभी फिफ्टी माइक्रॉन से ऊपर होना चाहिए था फिर उसके बाद सेवेंटी माइक्रॉन हुआ है और अभी दिसंबर के बाद एक सो बीस माइक्रॉन हो जाएगा तो उससे ज़्यादा अगर मोटापा है आपका प्लास्टिक फिल्म का तो उसको बैन नहीं है उससे कम होगा तो बैन हो गया है तो यही सब बैन हुआ है और कोई चीज़ें बैन नहीं हुआ है क्योंकि हम अभी टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं हम बाल्टी यूज़ कर रहे हैं घर में हमारे शर्ट में बटन से वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं और जब हम बोलते हैं कि मेरा शर्ट में कॉटन प्लस पॉलिएस्टर है तो पॉलिएस्टर भी एक प्लास्टिक ही है तो ये सब चीज़ें जो है प्लास्टिक ऑलरेडी इन्वॉल्व है प्लास्टिक सभी में आता है तो प्लास्टिक का बैन नहीं है तो ये जो कुछ मल्टीलेयर प्रॉब्लम या फिल्म है जो जो पैकेजिंग में यूज़ होता है उसी को बैन में लिया गया है तो हम बच्चों को जैसे जैसे इंटरेस्ट आता है कि कोई बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमें आ, हमने बी किया है बी किया है या हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन जॉब नहीं है सर हमारे पास तो हम तीन महीने छः महीने के स्किल डेवलपमेंट जॉब औरटेड कोर्स है उसको हम चलाते हैं और ये कोर्स हमें सी सी कर रहा है कोल इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है हमें सी एम स्पॉन्सर कर रहा है एम का मंत्रालय हमें स्पॉन्सर कर रहा है और ये सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं उसमें रहना खाना सभी कुछ फ्री है बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तक हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो ये ट्रेनिंग होने के बाद फिर बच्चों को सिक्स मंथ्स या थ्री मंथ्स कोर्स होने के बाद उनको कैंपस प्लेसमेंट थ्रू हम जॉब में भेजते हैं तो उनका जॉब भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों को चौदह हजार आज स्टार्ट मिल रहा है और काफ़ी बच्चे एक साल के बाद फिर उनको सैलरीज भी बढ़ जाता है और उनको अच्छा सुपरवाइजरी पोस्ट भी मिल जाता है बच्चों को यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक जिस तरह से प्लास्टिक बैंड की बात आ रही है डायरेक्टर साहब ने क्लियर कहा कि कंप्लीट प्लास्टिक बैंड नहीं है प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अंग बन गया है और ये वाक्य में सच है कि प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं जीवन का एक अंग बन गया है आज जो भी सामान इस्तेमाल होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें प्लास्टिक के ही सामान इस्तेमाल होते हैं और उस प्लास्टिक उद्योग में रोजगार वाकई में एक बड़ी बात है और उन रोज़गार को जैसे सिपेट निखार रहा है युवाओं को और रोज़गार दे रहा है ये भी काफ़ी सराहनीय कदम है हम और जानेंगे डायरेक्टर साहब से कि जिस तरह से यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कैसा फीडबैक मिल रहा है अगर यूँ कहें कि अभी बेरोज़गारी के समय में जिस तरह से यहाँ को युवाओं को रोज़गार मुहैया करा जा रही है तो कैसा फ़ीडबैक मिल रहा है और क्या आप चाहते हैं कि आगे भी होना चाहिए आपको जैसे मालूम होगा कि लास्ट दो तीन साल से कोरोना का काफ़ी प्रॉब्लम था तो हमारे पास भी हमने ट्रेनिंग को तो बंद रखा था यहाँ पे, लेकिन हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग रखे थे और ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद जैसे ही कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ तो हमने बच्चों को बुला के उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग मुहैया कराया और उनके बाद बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है जो लड़कियाँ भी है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है उनका पार्टिसिपेशन मोर देन थर्टी पार्टिसिपेशन है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी सुपरवाइज़र है या प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल वो सब एरियाज़ में भी वो जाती है और उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा गर्ल स्टूडेंट्स जॉब करने के बाद हमें कंपनी ने भी फीडबैक दिया है कि सर आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं उनको अच्छा नॉलेज है और वो मेहनती बच्चे हैं अच्छा मेहनत करते हैं तो उनसे क्या हो रहा है कि हमारा और भी आगे आगे कंपनी बढ़ रहा है वही कंपनी था ही था उसके अलावा और भी नया कंपनी आ रहा है और हम अभी बच्चों के लिए अच्छा पैकेज पूछ रहे हैं तो हम उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा पैकेज पूछ रहे हैं और हमें कंपनी उतना पैकेज देने के लिए भी रेडी है अभी क्योंकि बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे लातेहार हो गया है खूटी हो गया है देवघर से भी हमारे यहाँ पे बच्चे आके ट्रेनिंग करते हैं और उनका अच्छा फीडबैक रहा है उन्होंने उनके बाद में उनके भाई उनके दो दोस्त हैं उनको भी बोला गया है और वो अगले बैच के लिए ऑटोमेटिक वो बच्चे को भेज देते हैं हमारे यहाँ पर तो वो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर रिस्पॉन्सपर अगर बात करें तो कितने लोगों को यहाँ से रोज़गार जो है कही न कहीं ना कहीं मुहैया हो जा रही है कैंपस सिलेक्शन हो जा रहा है आ, हमारे यहाँ पे हम एक साल में लगभग कोरोना पीरियड में कम था डेढ़ हज़ार बच्चों को एक साल में हम ट्रेनिंग करते थे आ, और अगर कोरोना नहीं था जैसे लास्ट ईयर तो हम लगभग दो हज़ार से ढाई हज़ार बच्चों को ट्रेन करते हैं जिसमें डिप्लोमा है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो हमारा जो प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो मोर देन एट्टी है है लगभग एट्टी से ज़्यादा बच्चों को हमने प्लेसमेंट दिया है कुछ बच्चों का रहता है कि सर हमें आगे और पढ़ना है हमने यहाँ पर आके देखा कि रांची में कि मैं डिप्लोमा होने के बाद मैं कुछ बी करेगा मैं एम करेगा तो उस टाइप के बच्चे भी आते हैं हमारे पास लेकिन अच्छा रिस्पांस है और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और लगभग 80 परसेंट से ऊपर बच्चों को प्लेसमेंट हो जाता है सर अगर पूरे झारखंड से बच्चे यहाँ हैं या फिर देश भर से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे रांची में जो स्टेशन है झारखंड का जो है हमारे पास ज़्यादातर झारखंड के बच्चे ही आते हैं और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे झारखंड के लग के बिहार से जो है बच्चे बॉर्डर एरियाज़ के हैं तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं लेकिन पहला प्रेफरेंस झारखंड के लिए है के लिए अंतिम प्रश्न दर्शकों के लिए रहेगा डायरेक्टर साहब की क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि वाकई में जिस तरह से अभी न्यूज़विंग टी ने पूरे कैंपस में निरीक्षण किया देखा तो वाकई में बच्चे सीख रहे हैं बच्चों में लगन लग रहा है जिस तरह से अभी बेरोज़गारी का आलम है या यूँ कहें लोग कहते हैं रोज़गार नहीं है लेकिन आपकी संस्था एक बेहतर ढंग से रोजगार दे रही है तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से देशवासियों से झारखंड वासियों से Uh, हमारा एक ही अपील रहेगा कि जैसे बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ कोरोना के बाद काफ़ी लॉस में चला गया बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में लोगों को निकाला गया लेकिन आप अगर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का देखोगे फीडबैक और डाटा अगर देखोगे हमारे पास भी जो अवेलेबल है तो उसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री बूम में ही रहा है उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बूम में हुआ है हमारे पास कभी बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि सर मुझे जॉब से निकाला गया है या मुझे ये हुआ है तो हमारा एक ही अपील है कि आप प्लास्टिक निगेटिव है ऐसा मत सोचिए आप अगर एडमिशन नहीं भी लेना चाहते लेकिन आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट में आपके रांची में रातू रोड में ये इंस्टीट्यूट है आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए उसके लिए आपको कोई नहीं नहीं बोलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं टेस्टिंग कैसे होता है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है तो ये सब आप फ्री में आके कभी भी आके देख सकते हो आप स्कूल में है तो आप स्कूल को साथ में लेके आइए आपके सर को लेके आइए आप अगर कॉलेज में हैं तो आपके ग्रुप में आ सकते हो या आप अकेले भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं तो हमारे यहाँ पे पूरा फैसिलिटीज़ फ़्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है और आपको हम बताएंगे भी कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रोज़गार का क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तो ये भी आप, आप यहाँ पे जान सकते हो जा, सकते हैं, सकते हैं। जा, जा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू तो सुना आपने ये थे हमारे साथ सीपेट के ज्वाइंट डायरेक्टर एंड हैंड अरवींद बचाओ साहब जिन्होंने क्लियर कहा है कि रोज़गार के अवसर हैं मेहनत करें इंटरेस्ट दिखाएँ रोजगार ज़रूर मिलेगी और मेहनत से ही सफलता मिलती है जिस तरह से सीपेट लगातार युवाओं को रोज़गार के ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ के डायरेक्टर वहाँ के एम्प्लॉय वहाँ के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार से जुड़े ये बेहतर और सार्थक कदम वाक में है न्यूज विंग के लिए रांची से सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी ऑन एक्सटी सिक्स अब इंडिया बनेगा एक्सप्रेस